है आठ नवपरातारा, यानी कि नवपरातारा बीच। ये वाला अवनांग से नेक्स्ट वाला बीच है, 1.5 किलोमीटर जितना लंबा है। इस बीच में लोकल टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं। हम अभी बीच के कॉर्नर में हैं, यहाँ पे खास कुछ नहीं है, लेकिन जब सनसेट होगा तब फोटोशूट के लिए अच्छा प्लेस है। एक के बाद एक बोट्स, फेरी, स्पीड बोट्स जा रहे हैं। आपको लगा होगा अचानक क्या हो गया, इसका रीज़न है यहाँ पे है नवपरातारा पियर, बड़ा पियर है। पीपी आइलैंड के लिए फेरी यहीं से निकलती है। अभी सुबह का 8:30 बज गया, फेरी का टाइम हो गया। साथ में जो भी बोट वाले पैसेंजर को छोड़ने आए थे वो वापस भी जा रहे हैं। चलो आपको मैं इसका नज़ारा थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ। बर्ड व्यू कैसा लगा? समुद्र तो सुंदर लगता है यहाँ से। चलो हम नीचे कुछ एक्सप्लोर करेंगे इस जगह में। स्पीड बोट जा रही है, शायद पीपी आइलैंड या फिर नदी का बोट ट्रिप होगा। यहाँ पे छोटा सा लाइमस्टोन क्लिप है, वहाँ देखिए पानी में बड़ा मशीन लगी हुई है, पता नहीं कुछ डिगिंग चल रहा है। सुनामी अलर्ट का सिस्टम भी है पानी में, सुनामी का आई टाइड आया तो मेन टावर को अलर्ट करेगी। बीच में आई अलर्ट का टावर है। बोट फेरी जाने का कैनल है, फिर भी पानी आ तो बहुत साफ है। लोग अनी ओगल है, अनी अच्छा ओगल है, अनी अनी पे नाम आना। हाँ पे साई जो साई साई पे तो मले ने थोड़ी है साई ने करने में साई है साई साई आप पे सोंग नू ना हाँ लगा आप पे खाया माय वही उत्तेजन ना ने करने में साई नन में साई ดูดทรายขึ้นไปล่องมันจะได้ลึกด้วยไงอ๋อโอเคเขาจะดูดทรายเรื่อยๆใช่ไหมดูดล่องให้มันลึกอ๋อฮะล่องลึกแล้วก็ทรายไปถมไอ้ชายหาดด้วยทำที่ท่องเที่ยวอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแต่ก็ต้องดูดตลอดเหรอมีโครงการอยู่ไม่กี่เดือนหรอกเดี๋ยวก็เสร็จอ๋อแล้วก็อันนี้เรือนั้นจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอให้จะดูดไปข้างหน้านู่นๆไปถึงอ๋อโอเคให้มันเรื่อยไปตามสบายใช่ไหมไปตามร่องนะร่องน้ำตามร่องอ๋อเข้าใจแล้วผมคิดว่าเวลาน้ำลงสุดใช่ไหมเรือไอ้ท่องเที่ยวเขาจะเข้าไม่ได้อ๋อเข้าใจผมคิดว่าชาชันเนี่ยบอกว่าวัววันนี้ sand sucking machine เนี่ย machine sand suck करके बीच में जमा करती है क्योंकि वहाँ पे ferry boat जाने का रास्ता है sand निकल के canal को डीप कर रहे हैं अगर कैनल डीप नहीं होगा तो फेरी अंदर पियर तक नहीं जाएगी वो कैनल जो हो मैंने आपको दिखाया था उस तरफ देखिए उधर तक लंबा सा थाईलैंड में टूरिज्म के लिए यहाँ का टूरिज्म अथॉरिटी बहुत अच्छा काम करती है हर जगह वेल मेंटेन्ड और क्लीन है ओ सैन के साथ बहुत सारा सी सेल्स भी है और केकड़ा का घर भी है देखिए केकड़े का बच्चा कितना स्पीड में मूव हो रहा है हमारा पकड़ में तो नहीं आ रहा है ये तो गायब हो गया फाइनली पकड़ लिया छोटा सा है अरे बाप रे कितना स्पीड में घर चला गया देखिए ये सैंड लॉस का घर है चलो उसको ढूंढते हैं लगता है सैंड लॉस घर छोड़ के चला गया अगर आपने सैंड लॉस को नहीं देखा है तो ऐसा दिखता है अभी समय है थोड़ा बीच वॉकिंग का गर्मी है बहुत अभी तो समर सीजन है
पर तारा बीच का ट्रिप खत्म हो गया। अभी हम जा रहे हैं हमारा अगला डेस्टिनेशन सेंट एग्नेस चर्च। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये एक ही कैथोलिक चर्च है पूरा क्रबी में। थाईलैंड बुद्धिस्ट कंट्री है, क्रबी में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये चर्च सेंट एग्नेस को डेडिकेट किया है। सेंट एग्नेस रोम की एक संत है, अमीर खानदान की थी। उनका जन्म ईयर AD 291 में हुआ था। AD होता है लैटिन वर्ड एनो डोमिनी। 13 साल की उम्र में यानी AD ईयर 304 21 जनवरी को शहीद हो गई। इसके लिए हर साल 21 जनवरी को उनका नाम का फीस्ट मनाया जाता है। इस चर्च का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, ज़्यादा उड्डन से बनाया लगता है। हम आपको अंदर दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अभी वक्त है वापस जाने का। बैक टू रूम जाएंगे, पैकिंग करेंगे, उसके बाद लंच होगा इंडियन रेस्टोरेंट में। आज का लंच के लिए जाएंगे ताज पैलेस। अवनांग का सबसे बड़ा इंडियन रेस्टोरेंट है। वेजिटेरियन के लिए अलग से मेनू है। पार्टी के लिए, मीटिंग के लिए रिकमेंडेड है। इस वीडियो के साथ हमारा क्रबी ट्रिप ख़त्म हो जाता है। हमने इस टाइम क्रबी में 4 दिन बिताए। फिर दोबारा विजिट करने का प्लान है। हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर नया वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।